नमस्कार मम्मी यम्मी किचन फूड में आपका स्वागत है। और आज मैं जा रही हूँ मटर मशरूम बनाने, तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तेज़पत्ता, जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये मैं प्याज पीस ली हूँ, पिसा हुआ प्याज है। इसके साथ दो तीन हरी मिर्च पीस ली हूँ मैं प्याज के साथ में। अब ये प्याज भुन गया है, इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, और ये लहसुन, अदरक और टमाटर पीस के रख ली थी मैं। प्याज अच्छी तरह से भुन गया है, तब इसमें पिसी हुई टमाटर, लहसुन, अदरक डाली हूँ मैं। इसके बाद गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, नमक के पानी में अच्छी तरह से पक जाएगा। टमाटर डालने के बाद तुरंत नमक डालते हैं ताकि पानी छोड़ देता है हल्का हल्का। थोड़ी सी धनिया पाउडर, इसके बाद मशरूम, इसके बाद मटर, अब ये भुना गया है, अब इसमें पानी, मशरूम को अलग से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो फ्राई करने से रबड़ के तरह हो जाता है ज़्यादा फ्राई करने से।
और थोड़ा मोटा मोटा ही काट के रखें, नहीं तो छोटा काटने से भुनने के बाद और छोटा हो जाता है। थोड़ी सी और पानी लगेगा। ये देखिए मैं दो दो टुकड़ा में काटी हूँ मशरूम। अब इसे मैं ढक देती हूँ। ये देखिए मटर मशरूम बन के तैयार है, बन गया है। मैं ग्रेवी इसमें रखी हूँ, ग्रेवी में इसे पूरी से खाने के लिए अच्छा लगेगा। सादा पूरी से खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा मशरूम और मटर। रोटी से भी खा सकते हैं, चावल में भी खा सकते हैं, लेकिन पूरी से टेस्ट ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। ये देखिए ये पक गया है अच्छी तरह से, तेल भी चारों तरफ से छोड़ दिया है इसमें। अब मैं गैस बंद करती हूँ। ये देखिए कितना टेस्टी है, इसका कलर कितना खूबसूरत हुआ है देखिए। अगर आपको अच्छा लगा मशरूम मटर के सब्जी, तो मम्मी एमी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।